मेरा नाम डॉक्टर परमप्रीत कौर, मैं सिविल दी प्रोफेसर हाँ। ये साढ़ा 12वां दिन है जिहड़े कि साढ़े सारे टीचिंग नॉन टीचिंग सारे स्टाफ मैंबर रल के सवेर तो शाम शाम तो रात इस सवेर तक चलती पी लगातार भुख हड़ताल मतलब चल रही है। सिर्फ एक तो एक ही रीज़न है, होर कोई रीज़न नहीं है कि सानू तनखाहां जिहड़ियां पिछले 7 महीने तो नहीं मिलियां हन ते वो काइंडली जिहड़ियां जारी कीतियां जाण। ये साडी मैनेजमेंट साडी जिहड़ी सरकार है उन्हां दे अग्गे बेनती है कि जो तुहानू अग्गे भी असीं दस चुके हैं कि जो साडे हालात ने घरां दे उह बद तों बदतर हो चुके ने। बच्चे बाहर जांदे ने उह इन्ना फील करदे ने कि कुछ भी घरां च बहुत मुश्किल हालात है जिहड़े तुहानू दस नहीं सकते। अज सारे बैठे सिर्फ इस करके सानू तनखाह दित्ती जाण ते असीं अपने घरां दे गुजारे कर चला सकीए। देखो सानू इन्ना पता है कि जे इन्होंने सानू इत्थे इंस्टीट्यूट च रखिया सानू इंप्लॉई बनाया तो ये सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है ताकि और इंस्टीट्यूशनस ने कोई भी जे किसी देश के इंस्टीट्यूशन नहीं चल सकते ना या कह सकते हैं कि साढ़े सेहत के अदारे नहीं चल सकते ना तो वो सरकार फेल ने। ये सरकार फेल ने जे साढ़े यह सरकारी सिक्ख्या जिहड़ियां नहीं सही तरह चल पाइया ये उन्होंने नाकामयाबी है कि सानू नहीं चला पा रहे इस संस्था नहीं चला पा रहे तो ये उन्होंने जिम्मेदारी बनती नो डाउट साड़ी भी बनती है पर असी जो साड़ी ड्यूटी है असी रात दिन इतने काम करते हैं असी इतने जो भी काम दिता जाता असी पूरी तरह अपनी ईमानदारी करते हैं। इस तरीके उन्होंने हुण फर्ज बनता है कि जे सानू वेतन जी उन्होंने साड़ी कही है वो सानू दिती जाए ताकि साढ़े बच्चे असी जिहड़ा वै अपने घर के जो गुजारे ने असी वो पूरी तरह नाल सही तरीके कर पाईए। मेरा नाम सतेंद्र कुमार है जी। कारण साडा इक्को ही है जी, सानू सैलरी नहीं मिल रही 7 महीनों तो साढ़े घर के हालात बहुत खराब हो चुके हैं इसलिए सानू मजबूर होकर भुख हड़ताल करनी पई है। साढ़े किसी भी इत्थे दे लोकल MLA ने गल नहीं सुनी, सरकार को साड़ियां 3-3 फाइलां पईयां ने, कोई फंड रिलीज़ नहीं कर रहे। SC स्कॉलरशिप का पैसा पिछले 4 साल का वो नहीं आया, CMS स्कॉलरशिप चलाई सी साढ़े इत्थे कॉलेज उहदा कोई पैसा नहीं आया। साड़ी ग्रांट इंतम ग्रांट की फाइल चली सी वो तो कोई पैसा नहीं आया। साढ़े कॉलेज में सरकार ने हुण यूनीवर्सिटी बनाया उस कहा सी 15 करोड़ साल की ग्रांट देवे वो नहीं हजे तक रिलीज हुई। असी तो मतलब इन्हों के लारे च ही बैठे कहते अज आ रही है कल आ रही है फाइल चली हुई है पर अज तक किसी फाइल का कोई निपटारा नहीं होया, इन्ने साढ़े पैसे पेंडिंग पे तो कोई आ ही नहीं रही ग्रांट सरकार वालों, इस करके साढ़े हालात हो चुके। जे साडियां मंगां नहीं मनिया जांदियां तां असीं इस नूं होर इंटेंसीफाई करांगे। असीं साढ़े सारे इत्थे कलोनी वासियां ने ये फैसला कीता वी असीं किसे भी जे मंगां नहीं मनिया जांदियां तां असीं किसे भी पोलिटिकल पार्टी नूं साढ़े इत्थे वोट मंगण लई आउण नहीं देवांगे, उहनां दा विरोध करांगे इत्थे। मेरा नाम जी संतोष कुमारी, मेरे हसबैंड इत्थे लैक्चरर ने, मैं मिसिज मुनीश धीर हाँ। मंगां देखो जी, 7 महीने तो सैलरी नहीं मिल रही, मेरे हसबैंड इत्थे जॉब करदे ने, 1 महीना इंपलॉई नूं अगर सैलरी नहीं मिलती तो उस घर के हालात देखने वाले होंगे ने, क्योंकि इंपलॉई का सारा कुछ ही लोन पर हुंदा और 7 महीने तो जिस घर च पैसा नहीं आ रहा सिंगल हैंड अर्निंग हैगी है तो वह तुसीं अंदाजा लगा सकते हो कि उस उन्हां घरां दी हालात की है। अज जिन्ने जने भी असीं इत्थे बैठे हाँ साढ़े मतलब मोस्टली इत्थे बैठे जड़े ने वो पेशेंट ने, बीमार हो चुके ने, लोग डिप्रैशन दे मरीज़ हो चुके ने। और मैं एक चीज़ ये कहना चाहती हाँ कि अगर इत्थे बैठे लोगों विचों किसी नूं भी कोई फिजिकल प्रॉब्लम आती है उहदा जिम्मेवार पुअर मैनेजमेंट होएगी, डायरैक्टर होगा और ये टैक्निकल मिनिस्टर होगा। असीं सरकार नूं बहुत गुजारिश कर चुके हाँ, इत्थे कोई MLA ने साडी किसी ने नहीं सुनी, ना ही कोई 12 दिन तो इत्थे एक बारी भी कोई हालात का जायजा लैण लई नहीं आया कि असीं एक बारी देखिए कि इन्हां लोगों के हालात की ने। और असीं सब लोगों ने डिसीजन लिया कि आने वाले टाइम च असीं हरेक पार्टी का बाइकॉट करांगे, असीं किसी पार्टी नूं वोटिंग नहीं करांगे। जी इदों कॉलेज नूं यूनिवर्सिटी बना दिता गया, ग्रांट कह रहे हैं भी आ रही है और ग्रांट इशू नहीं हो रही हजे तक, सिर्फ कागजां दे विच सब कुछ हो रहा, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा। मंत्री साहब ना चन्नी साहब ना भी मीटिंग्स हो चुकी हैं, MLA साहब ना भी गलबात हो चुकी हैं जी, असी चन्नी साहब नू मिलते हैं पर की मिलते हैं, की डिसीजन होंगे है, जे कोई डिसीजन होंगे तो अज तक सानू इत्थे गद्दियां ते नहीं बैठना पैना सीगा, सानू जमीन ते नहीं बैठना पैना सी, साडी सैलरी रिलीज़ हो चुकी होंगी। मेरा नाम डॉक्टर संगीता शर्मा, मैं प्रोफेसर हाँ केमिस्ट्री दे इत्थे।
ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਭੁੱਖੜ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੜ ਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਦਿਨ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖੜ ਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੜੀਵਾਰ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਈਵਨ ਕਿ ਲੋਕ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਧਾਰ ਵੀ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਸਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਲਰੀ ਕਲਾਸ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਅਰਨਿੰਗ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਲਰਡ ਕਲਾਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਹਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਵਾਲਾ ਉਧਾਰ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗੂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗਣਗੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੈਰੀ ਪਿਟੀਏਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ